हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। पिछली वीडियो में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सबसे सरल मेथड है। इसमें करना क्या है, आपको मान लीजिए एक से लेकर हज़ार तक गिनती है, एक से लेकर हज़ार गिनती है और उसमें हमें मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन हज़ार की है और उसमें हमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू एन कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन। कैपिटल एन का मतलब आप समझ गए होंगे, हमारी पॉपुलेशन जो हमारी मेन पॉपुलेशन है उसका नंबर, मान लें कि हमने माना है उसमें हज़ार है हमारी पॉपुलेशन, तो उसको हम ऊपर रख लेते हैं हज़ार, और नीचे हमारी है सैम्पल पॉपुलेशन यानी कि स्मॉल एन, वो मान लेते हैं हमें सैम्पल लेना है अभी हंड्रेड का, हज़ार में से हंड्रेड का हम सैम्पल ले रहे हैं। और के क्या है यहाँ पे, के एक रेशो है यानी कि हमें कितने का गैप रखना है हमें सैम्पलिंग में। चलिए समझते हैं, के इज इक्वल टू थाउजेंड अपॉन हंड्रेड, डिवाइड करेंगे 10 आएगा यानी कि k इज इक्वल टू 10 आ चुका है, यानी कि ये जो k है हमें अपनी सैम्पलिंग में 10-10 का गैप रखना है। यानी कि हम जैसे कि हम पांचवा नंबर चुनते हैं, हम गिनती से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे सैम्पल का पांचवा जो सैम्पल है तो 5 के बाद अब 15 आएगा, 15 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 35 आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी अपनी मर्ज़ी से हमें उठाना है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, ये के इसीलिए रखा गया है कि हमें सैम्पल बाय सैम्पल गैप के साथ हटाते जाना है। और उठाना कैसे है, जो के था हमारा, के कितना था, 10 था, 10 से छोटा नंबर लेना है हमें, यानी कि हम 10 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, 10 से छोटा ही लेना है हमें, 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और पूरे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 10 से बड़ा नंबर नहीं लेना है। यानी कि हमने मान लीजिए 4 नंबर लिया है शुरुआत में, इसको हम रैंडम स्टार्ट कहेंगे, रैंडम स्टार्ट यानी कि फोर्थ नंबर, फोर्थ के बाद हम 10 जोड़ेंगे उसमें 14, सेकंड सैंपल होगा 14 के बाद हमारा 24, थर्ड सैंपल 34 के बाद 44, 54, 64, ऐसे ऐसे हमारे सैंपल हमें लेते जाएंगे। तो बस यही था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में।